तो विनोद जी हमारे घर आते रहते थे, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं योगा करूं। अब जाहिर सी बात है कि मैं वो आसन नहीं कर सकता जिसमें मुझे खड़ा होना है या घुटने के उस पर बैठना है। मैंने सिर्फ 3 आसन किए हैं जो अनु जी ने आपको आखिरी में बताया, जो सांस अंदर और बाहर लेना है, और आज मैं आपके सामने खड़ा हो रखा हूँ और खुद चल सकता हूँ। बेशक इसके सारे चल रहा हूँ इस समय, बट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। एक टाइम ऐसा था कि मैं बेड पे ही था। आप इस समय नर्स कर रहे हो, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि ये योग से होता क्या है। बेसिकली जब हम योग करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता उतनी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। हम सुबह के 3 बजे के जागे हुए कि आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी हम में वो है कि हमें नींद आ रही है या हम एक्टिव नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि हम हर दिन योग करते हैं। योग अगर आप रोज करोगे तब आपको फायदा मिलेगा। आप एलोपैथिक कुछ भी दवाइयां लोगे वो आपकी बीमारी को दबाएगा, पर अगर आप योग करेंगे तो वो जड़ से उसको हटा देगा और फिर दोबारा जिंदगी में नहीं आएगी। योग का असली मतलब है अपने आप को जानना और लोगों से जुड़ना। आपकी लाइफ में 3 स्पेयर्स है, एक होता है फिजिकल, एक मेंटल और एक स्पिरिचुअल। आप अगर कुछ भी करोगे, जैसे अगर आप खेलते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, एरोबिक्स करते हो, तो ये आपको फिजिकली स्ट्रांग करेगा। बट अगर आप योगा करते हो, योग करते हो, मेडिटेट करते हो, तो ये आपको 3 स्पेयर में हेल्प करेगा और इसको बैलेंस लेके आएगा। बेसिकली हो ये रहा है कि बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, तो जितने भी आपके अंदर के पार्ट्स है वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। इसमें ये नहीं हो रहा कि हाँ एक पार्ट काम कर रहा है और सारी की सारी चीजों में ये हेल्प कर रहा है आपको। तो ये मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप योग करिए और इसको एक अपने शेड्यूल में लेके आइए, तब आपको जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा। और जब आपके साथ एग्जाम्पल देंगे, जब अभी विनोद जी ने शुरुआत में पूछा था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हाथ खड़े करे थे कि हमें ये दिक्कत है, छोटी मोटी दिखते हैं। आप एक महीना योग करेंगे आप उसमें उसी में फायदा दिख जाएंगे, और जैसे जैसे आपको फायदा दिखेगा आप उससे जुड़ जाएंगे। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे, ये आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा योग करें तो आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे जुड़े। थैंक यू। फिर आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में जाते हैं, वहां